नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि डेलेट प्रथम सेमेस्टर गणित टेस्ट नंबर 12 लेके आया हूँ। इससे पहले 11 टेस्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड करके डाल चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा मेरे चैनल पर जाके देख सकता है। लघु उत्तरी प्रश्न शुरू कर दिए हैं और जो बच्चे 25 में से 25 नंबर लाना चाहते हैं 100% आएंगे। बस जितने में टेस्ट लगवा दूँ उतने टेस्ट आप लगा लो, गारंटी दे रहा हूँ 25 में से 25 नंबर आपके पक्के आएंगे। और ये मैं राजा सीरीज से करा रहा हूँ और डेलेट प्रथम सेमेस्टर में ज़्यादातर राजन सीरीज से ही पेपर फंसता है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, -5 माइनस राउंड ब्रैकेट -45 राउंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड राउंड ब्रैकेट -15 राउंड ब्रैकेट प्लस राउंड ब्रैकेट -3 राउंड ब्रैकेट इंटू 5। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये बोर्ड मार्क्स का है और ये इसमें का ये क्वेश्चन 100% आता ही आता है। चलिए इसको स्टार्ट। अब सबसे पहले हम बोर्ड मार्क्स में डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो हम बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को, इसको, बाकी किसी को टच नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए -5, अब माइनस, अभी देखो डायरेक्ट काट दो यहाँ से, 15 * 45, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 * 45। यहाँ पर ब्रैकेट खोल लो, प्लस माइनस -3 * 5। अब सॉल्व कर लो, -5 - 3 * 5 = 15। देखो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 8। -15 माइनस माइनस प्लस, तो 15 और 8 जब ऐड करेंगे तो 23, और साइन माइनस का आएगा। यही हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ, एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। साइकिल का क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब इसको देखो कैसे हम करेंगे। हमेशा याद रखना CP और SP इधर रख लो। कुछ भी क्वेश्चन में दे, बस आपको CP 100% मानना है, बस इतना याद रखना बच्चों। अब क्वेश्चन देखो जो दिया है वो लिख लो यहाँ पे, 1800 दिया है, 1800 आप लिख लो बस। अब CP हमेशा 100% मानना। अब देखो जो भी होगा लॉस प्रॉफिट हमेशा CP पे होता है। अब 10% की हानि हुई, तो 10% की जब हानि होगी तो हमारा SP हो जाएगा 90% बस। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, CP पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस। बस ये याद रखना बच्चों, जो पूछेगा वो ऊपर रखेंगे। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य, यहाँ पे क्रय मूल्य देखता और ये विक्रय मूल्य पूछता, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य रखते, नीचे क्रय मूल्य रखते। लेकिन यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य कौन सा है, 100, तो 100 ऊपर रखेंगे और SP हमारा कितना हो गया, 90, वो नीचे रख देंगे बस। अब कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 * 2 = 18 और 0 का 0, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आएगा 2000 रुपये। मतलब इसका कॉस्ट प्राइस जो था साइकिल का वो 2000 रुपये था, यही आपका आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में 1500 बच्चे बैठे हों तो कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी। अब टोटल बच्चे कितने हैं, 1500, 1500 में से 75% बच्चे उत्तीर्ण हुए, तो बस 1500 का 75% आप निकाल लो। 1500 का 75% जब निकाल लेंगे तो आपके उत्तीर्ण बच्चे आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, उत्तीर्ण बच्चे बस। अब देखिए 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, सॉरी। अब 15 * 5 = 75, 7 हासिल दिए, 15 * 7 = 105 और 7 = 112, मतलब टोटल जो बच्चे थे उत्तीर्ण वो 1125 थे 1500 में से। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा, कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो फेल पूछ रहा कितने हुए अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण के लिए टोटल कितने थे, 1500 माइनस 1125 आप लेस कर दीजिए, आपके अनुत्तीर्ण बच्चे आ जाएंगे। तो देखो 10 में से 5 गए यहाँ 5, यहाँ आपका रह गया 9, 9 में से 2 गया आपका 7, और यहाँ बचा 4, 4 में से गया 300। 375 बच्चे जो थे वो आपके क्या थे, अनुत्तीर्ण थे, अनुत्तीर्ण। 11 क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चों, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और अपॉन में 100, ये तो सबने पढ़ा है, इसी से कर लेंगे बस। दिक्कत कहाँ आएगी बच्चों,
ये आएगा समय। आप समय वर्ष में भी दे रखा है महीने, तो कोई बात नहीं, समय देखो, समय जो दे रखा है वर्ष वाला अलग कर लेंगे, महीने वाला अलग कर लेंगे। हमें पता है एक साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो बस इसके नीचे आप 12 लगा दीजिए। अब काट लीजिए, देखो 3 * 3 = 12, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 + 1/4, मतलब 4 * 2 = 8 और 1 * 9/4, बस इसको ऐसे सॉल्व कर लेना, आपको पता चल गया समय कितना। अब देखो क्वेश्चन में साधारण ब्याज हमें क्वेश्चन में गिवेन है 252, और मूलधन भी क्वेश्चन में पता है 1600 गुणा, और दर हमें निकालनी है तो एक्स मान लो इंटू, और समय में पता चल गया 9/4, तो 9 ऊपर रहेगा और 4 नीचे आ जाएगा, और इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 2 0 से जो कैंसिल हो गए, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 * 4 = 16, अब 4 से ये बिगड़ जाएगा, 4 * 6 = 24, एक हासिल दिया 4 * 3 = 12, अब ये घड़ी आएगा 9 * 7 = 63, इसका मतलब दर हमें पता चल गई 7% है, और यही आपका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया हो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं होता है तो यहाँ इंटू होता है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू, यहाँ कोई साइन नहीं है तो इंटू। अब ब्रैकेट खोलेंगे, इसकी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी कंपेयर इसके, इसकी कंपेयर इससे, इसकी कंपेयर इसकी, यहाँ कर लेंगे इसकी कंपेयर यहाँ और इसकी कंपेयर यहाँ। अब देखिए इसकी से गुणा कर लेंगे तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपका एक्स जेड। अब देखो ये भी प्लस, तो प्लस वाई जेड। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे करेंगे तो एक्स जेड, फिर माइनस प्लस माइनस वाई जेड। अब देखो ये वाई जेड माइनस का, ये वाई जेड प्लस का ही कैंसिल हो गया, एक्स जेड प्लस का है और ये एक्स जेड माइनस का है, माइनस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, सब कुछ घट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया 0, और यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा है, अब इसको दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, चलो मैं आपको दोनों तरीके सिखा देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक तो फार्मूले से कर सकते हैं और एक बेसिक से भी कर सकते हैं, तो फार्मूला क्या है देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही जगह हम क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह पे एक्स इंटू बी की जगह पे 5 प्लस बी की जगह पे 5 स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 * 2 = 10x प्लस 5² = 25, यही आपका क्या हो गया आंसर। अब दूसरा तरीका भी देख लो, यहीं पे करा देता हूँ, एक्स प्लस 5² होल स्क्वायर। अब इसको देखो हमें पता है इसकी पावर 2 लगी, तो हमको 2 टाइम लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 5। अब देखिए कैसे करें, ये वाला जो पद होता है ये लिख लेंगे हम इस पहले, और उसके साथ ये वाला पद पूरा फ्री कर देते हैं एक्स प्लस 5, अब ये वाला 5 लिख लेंगे और उसके साथ ये वाला पूरा फ्री कर देते हैं, मतलब पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद ये वाला उठा के रख देंगे, फिर 5 लिखेंगे उसके साथ ये वाला उठाएंगे, ये बेसिक है। अब देखो गुणा कर लो, इसकी इससे गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 5x, अब यहाँ पे देखो इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये 5x और इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 5 * 25। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x हो गया आपका 10x प्लस 25, यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप समझ में आओ, यही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी आ रहा था और यहीं यहाँ पे भी आएगा। अगर